हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लेख नरवाल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लेख ऑनलाइन वर्ल्ड। टूडे इन दिस वीडियो वी कंटिन्यू विद द जीके 10 सीरीज। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चंस। टूडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज IUPAC रिप्रेजेंट। IUPAC क्या रिप्रेजेंट करता है? IUPAC रिप्रेजेंट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो है IUPAC की फुल फॉर्म होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका यूज जो है केमिस्ट्री में किया जाता है नेमिंग के लिए एलिमेंट्स की जो है और उनके अरेंजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू आज की वीडियो का, व्हाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन ए लार्ज नंबर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लार्ज नंबर में क्यों पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? दिस इज ड्यू टू दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो कार्बन की होती है उसके कारण होता है, और उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के कारण जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, या कार्बन कंपाउंड जो है लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन में कैपेसिटी होती है कि वो जो है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी रखता है, तो जिस कारण से वो जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड को जो है फॉर्म कर सकता है, बना सकता है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन, जिसके कारण जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जो है ये बनाता है। आज का जो है तीसरा क्वेश्चन है, विच फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला C4H8। C4H8 दे रखा है फार्मूला हमारे पास। अब ये बोला गया है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये बिलोंग करता है दी फार्मूला C4H8। ये होता है ब्यूटीन का फार्मूला, ठीक है, ब्यूटीन का फार्मूला है, और ये जो है एल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है। C4H8 ब्यूटीन है और एल्कीन फैमिली से बिलोंग करेगा। तो जनरल फार्मूलाज अगर हमें पता होंगे तो उससे हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मीथेन का? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -161.5 डिग्री सेल्सियस, इसका जो है सेल्सियस के केस में, और जो है अगर केल्विन में इसको कन्वर्ट किया जाए तो 111.5 केल्विन जो है मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये जो जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जीके 10 सीरीज़ के अंदर, तो ये सारे क्वेश्चन जो है पीछे के एग्ज़ामों में जो है जो HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा जो है साइंस का पेपर लिया जाता है 10th क्लास का, तो उसमें ये पूछे गए होते हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, और हो सकता है कि इस बार के एग्ज़ाम्स में भी, आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर भी ये रिपीट हों। तो ये था जो है बॉइलिंग पॉइंट आ गया हमारे पास मीथेन का -161.5 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में अगर इसको देखा जाए तो 111.5 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 आज की वीडियो का, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीथेन। अब मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है, तो मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट होता है -182.45 डिग्री सेल्सियस, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर केल्विन में इसको देखा जाए तो 90.69 केल्विन होता है। तो ये जो है आगे इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका कंपाउंड जो है बॉयल करना शुरू हो जाता है, कोई भी एलिमेंट बॉयल करना शुरू हो जाता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, और मेल्टिंग जब वो पिघलना शुरू हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट आ गया -182.45 डिग्री सेल्सियस, और जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -161.5 डिग्री सेल्सियस मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन मीथेन से रिलेटेड थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट है -63.5 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसको केल्विन में हम स्टडी करें, चेंज करें, तो ये होता है 207.5 केल्विन आ जाता है। तो -63.5 डिग्री जो है सेल्सियस के अंदर, और जो है केल्विन के अंदर 207.5 केल्विन जो है क्लोरोफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट होता है। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? तो इथेन जो है एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, तो एल्केन फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, तो उनका जनरल फार्मूला अगर याद हो आप लोगों को, तो CnH2n+2 होता है। तो इसमें हमारे पास जो है इथेन दे रहा मिथ इथ, तो मतलब दो कार्बन है, तो ये जब कार्बन दो हैं तो फार्मूले के हिसाब से 2 × 2 +
ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला का यूज करके, सी एन एच टू एन प्लस टू। एन की वैल्यू हमारे पास इथ मीन्स टू कार्बन, तो दो कार्बन है सी टू एच टू, एन की वैल्यू टू है प्लस टू, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू इथेन की सी टू एच सिक्स। तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, टू इंटू टू फोर होता है, फोर प्लस टू सिक्स होता है, तो एच की वैल्यू आ गई सिक्स, सी टू एच सिक्स हमारे पास आ जाएगी इसके जो है कैलकुलेशन के बाद। तो इथेन का जो फार्मूला रहता है वो होता है सी टू एच सिक्स। इसी तरीके से इथेन की भी कैलकुलेट करते हैं, जनरल फार्मूला का यूज करते हैं, और एल्काइंस की भी यूज करते हैं फार्मूला का, फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट। तो ये आ गया सी टू एच सिक्स, ये था क्वेश्चन नंबर सेवन। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एट, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन मीन्स फाइव कार्बन है जिसके अंदर, तो पेंटेन एल्केन की फैमिली से ही बिलोंग करता है, तो सी फाइव एच ट्वेल्व इसका जो है क्या आ गया फार्मूला आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला पेंटेन का सी फाइव एच ट्वेल्व। सेम उसी फार्मूला के थ्रू जो कैलकुलेट किया जाएगा जो जनरल फार्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू होता है। आगे है राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, बिल्कुल सेम वही वैसा ही क्वेश्चन है, वही फार्मूला यूज किया जाएगा। तो ब्यूट मतलब इसमें जो है कार्बन का नंबर कितना है फोर है, तो सी फोर एच एट इसका जो है आ गया हमारे पास ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला सी फोर एच एट सॉरी एच टेन सी फोर एच टेन आ जाएगा। अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो एटॉमिक नंबर जब हम पता होंगे तो हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है सेवन, और जो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है वो होता है फिफ्टीन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी टू फाइव, ये आ गई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेवन इसका एटॉमिक नंबर, फाइव प्लस टू हो गया सेवन। और फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई टू एट फाइव, टू प्लस एट हो गए टेन, टेन प्लस फाइव हो गए फिफ्टीन। तो ये इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है फास्फोरस की, और टू फाइव आ गई नाइट्रोजन की। तो ये थे आज की वीडियो के 10 क्वेश्चन। अगर आप नए हैं हमारे चैनल के ऊपर, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।